नमस्कार, स्वागत है आपका साथी में न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ राजनंदनी शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। जोधपुर जिले के बिलाड़ा से बुधवार को सुबह जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी के प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जोधपुर एसीबी और ब्यूरो टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के अनुसार तिलवासनी स्थित केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के बिल पास करने के एवज में कैमरे लगाने वाले ठेकेदार नंदकिशोर पारिक निवासी जोधपुर से 40,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी की शिकायत के सत्यापन पर आज सुबह टीम ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को तिलवासनी गांव स्थित विद्यालय में परिवादी से 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले परिवादी ने प्राचार्य के बैंक खाते में 10,000 से 15,000 रिश्वत के तौर पर जमा करवाए थे, उसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि जोधपुर जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होने वाला एक विद्यालय है जो देश के हर जिले में स्थापित है। जोधपुर जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तिलवासनी गांव में संचालित हो रहा है। ग्रामीण इलाके में स्थित यह विद्यालय हमेशा से विवादों में रहा है। इस विद्यालय में करीब 2 साल पहले एक छात्र ने प्रताड़न से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। धन्यवाद आज की खास खबर में, बस इतना ही। मैं राजनंदनी आपसे विदा लेती हूँ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।